personalities. तो वेलकम बैक भाई सभी लोगों को। तो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ पहाड़ी स्टाइल में। तो आज का जो व्लॉग मैं आपको बताना, मतलब जो आज का वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, वो वीडियो है मेरे घर से रिलेटेड, मतलब हमारे गांव से रिलेटेड। और मैं आपको इसमें अपने घर के कामकाज के बारे में बताऊंगा, मतलब जैसे ही हमारे गांव में काम होता है। तो चलो एंजॉय करना वीडियो को और बताता हूँ आपको कि आज क्या क्या करते हैं आज के दिन में हम। तो चलो चलते हैं। तो भाई मौसम चेक करो गाइस, अभी बादल लगे हैं चारों साइड, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये अपना गाँव रहा यहाँ नीचे। और चेक करो आप थोड़े बहुत सिनेमेटिक्स। और अभी गाइस करते हैं इससे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट। तो बाइक मैंने रखी यहाँ घर है, यहाँ से अंदर ही लगा दी थी घर के, इस घर का भी काम चला है तो अंदर कर देता हूँ बाइक खड़ी, बाहर मौसम भी ख़राब था। चलो सबसे पहले करते हैं बाइक को कॉल स्टार्ट और तब तक एंजॉय कीजिए आप बाइक के सिनेमेटिक्स। सबसे पहले देखो भाई यहाँ तो बारिश आ गई है ना, तो बारिश की वजह से गाइस हर जगह आपको पानी देखने को मिलेगा। और ये रास्ता जाता है हमारे धारे की ओर। देखो भाई कितना शांत और ठंडा वातावरण है यहाँ का। और ये है नाला, जब मैं आप सभी को बताता हूँ कि मतलब जो हमारा गांव है उस गांव को मतलब पानी कहाँ से आता है और किस तरीके से आता है, और मतलब छुएँ हैं कई एक जैसे बावड़ियाँ होती है, तो मैं आपको दिखाऊँ सबसे पहले। तो देखो भाई आप यहाँ से दिखाया, तो हमारा जो पानी आ रहा है वो है, चेक करो गाइस इन पहाड़ों में से आ रहा है पानी। ये जितने बड़े पहाड़ देख रहे हैं आप, जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको, चेक करो भाई देखो यहाँ से पानी नीचे की ओर आ रहा है और इस पहाड़ के नीचे से पानी आ रहा है और ऊपर से भी यहाँ से भी पानी आ रहा है और इस तरीके से पानी यहाँ धारे में आ रहा है। और ये है पशु के लिए बनाया गया है यहाँ पर, मतलब पशु के लिए पानी पीने के लिए, और उधर ही पशु के लिए यहाँ पर भी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको तो अभी अभी बनाया हम लोगों ने, थोड़ा आपको पता है जैसे कि पानी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले तो पानी का स्तर है जो वो काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए अभी अभी हमने इसको बनाया है क्योंकि यहाँ से लीक कर रहा था। और ये सप्लाई है जो हमारे गांव के नलकों के लिए जाती है। तो देखो भाई आप पहाड़ों में से आ रहा पानी, और इसके ऊपर ना हमने बाड़ लगाया हुआ है जो मतलब कोई भी पशु पशु होते हैं जैसे आपके और कुत्ते हो गए बिल्ली हो गए जो इसमें नहीं जा पाए, और इस तरीके का कुछ सीन है। और ये हमारा धारा है, यहाँ पर हम पानी के लिए आते जाते रहते हैं। और आप वातावरण चेक करो गाइस, चारों ओर यहाँ पर पहाड़ है और काफ़ी शांति है दोस्तों यहाँ पर। तो चलो इसके बाद चलते हैं पानी को लेकर वापस अपने काम की ओर। आज का जो हमारा काम है वो आज हमारे को काम दिया गया है कि आज हमने घर में करना है काम। तो हमारे जो मिस्त्री है, जैसे कि आपने भी देखा होगा वीडियो में ऊपरले वाले घर पे जहाँ मैं था, तो वहाँ पर घर का काम चला है, तो वहीं पर चलते हैं और आज वहीं पर काम करते हैं। तो चलो चलते हैं। अभी ना गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमारे घर का काम चला हुआ है, तो मिस्त्री साहब है जो वो आ चुके हैं और मेरे को आज काम लगाया है कि मिस्त्री के पास ही रहना है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई चेक करो ऊपर सीना तो पहले ही आ गया, थोड़ी आदत भी नहीं है काम करने की। तो चलो पहाड़ी लोग हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ आप चेक करो मेरे सामने की ओर ये पहाड़ वगैरह, मौसम भी कुछ ऐसा ही है। धूप तो लगाए गए अभी, पर लगता है कि शाम तक बारिश भी आ जाएगी। हाँ चलो चलते हैं, करते हैं कुछ थोड़ा बहुत काम और फिर मिलता हूँ मैं आपको किसी नई सी जगह पर। A few moments later.
मैं अपने थोड़े खेत की ओर तो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या सीन बनता है। और देख सकते हैं भाई, घर में काम कर करके हालत ख़राब हो चुकी है अपनी। और चलो चलते हैं नीचे की ओर। भाई अभी जा रहा हूँ मैं खेत की ओर, और सबसे पहले देखो यहाँ पर यह है सेब का पौधा, इतना बड़ा हो चुका है, हमारा तो है नहीं। और ये नीचे की ओर मक्की और कुछ ऐसा, सामने की ओर का व्यू देख रहे हो, नीचे सारे मक्की के खेत है। चलो चलता हूँ नीचे और दिखाता हूँ मक्की की ओर। और ये हैं अरबी के पत्ते जी। मक्की तैयार हो गई, लोग गोभी तो भाई आज की डेट का सोना है ये चीज़, टमाटर। तो भाई